तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर लॉग्स। मेरा नाम है युवराज और एक और ट्रेन जर्नी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और अभी मैं हूं मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और ये मैं बोल सकता हूं कि आप में से मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग इस ट्रेन में जर्नी नहीं करे होगे। ऐसा क्यों है उसका मैं आपको बताऊँगा। और अगर जर्नी करे होगे तो जिस सीट पर मैं आज जर्नी करने वाला हूँ उस ट्रेन में, उस सीट पर तो आप पक्के से जर्नी नहीं करे होगे। तो मैं आज हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ अहमदाबाद तक, और वो भी वन एंड ओनली मुंबई अहमदाबाद एसी डबल डेकर एक्सप्रेस में। और ये चलती है मुंबई सेंट्रल से लेकर अहमदाबाद जंक्शन के बीच में, 9 हॉल टोटल ये लेती है। लगभग 480 किलोमीटर्स की जर्नी ये कवर करती है 6 घंटे 55 मिनट में। और इसका फेयर है 685 रुपीज़ जो मेरे को पड़ा है। मेरी सीट है C3 में लोअर, और वो कौन सी है वो मैं आपको अंदर ही बताऊंगा। इतना मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि आप लोग ना उस सीट पे तो ट्रैवल पक्के से नहीं करोगे। और अभी हो रहा है लगभग 1:14, 2:30 का इसका यहाँ से डिपार्चर है। ये आपको पहुँचा देती है 9:25 पे अहमदाबाद में। तो अभी उसकी सफाई चल रही है, वो बोल रहे हैं कि 1:30 गेट खोलेंगे। तो जब गेट खुलता है तो भाई इसका इस ट्रेन में ना इस रूट पर बहुत ट्रेनें हैं, वंदे भारत है, शताब्दी है, तेजस एक्सप्रेस है। बट यार इस ट्रेन का ना मतलब मैं इसमें ट्रैवल कभी नहीं किया हूँ, मैं पहली बार इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो जो मेरे को मतलब वो इंटरेस्ट आ रहा है ना कि कैसा होगा अंदर से, क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत कम लोगों ने ही इसमें ट्रैवल किया होगा। क्योंकि पूरे इंडिया में आज एट प्रेजेंट एसी डबल डेकर सिर्फ 5 चल रही हैं। तो चलिए वेट करते हैं, अभी 15 मिनट और है बस। चलते हैं अंदर, आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं सबसे पहले। तो नीचे का इंटीरियर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ पहले अपर डेक का दिखा देता हूँ, क्योंकि नीचे तो अपन को जर्नी करनी है। तो अपर डेक का देखिए भाई, बहुत सही लग रहा है यार। मतलब अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगरेशन की, तो 3x2 का है, 50 सीट्स आपको अपर डेक में मिलती हैं, 50 सीट्स ही लोअर डेक में मिलती हैं। और जो लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि हाइट का इशू आता है, ठीक है, मतलब 5'7" अगर आप 6 फुट तक के भी हो तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई इशू होने नहीं वाला है इसमें। और बाकी आपको लगेज स्पेस बढ़िया मिल जाता है, हर सीट पर आपको पॉइंट मिलता है, चार्जिंग पॉइंट बढ़िया है। सीट्स का कंफर्ट कैसा क्या है वो तो यार देखो, जर्नी करेंगे थोड़ी देर बाद तो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से। बाकी जैसे शताब्दी में रहता है वैसे ही मेरे को दिख रहा है पूरा, है ना। तो चलिए अगर इस ट्रेन की मतलब इस कोच की टोटल कैपेसिटी की बात करूँ तो 120 सीट्स हैं टोटल, क्योंकि इन और नॉर्मल चेयर कार में 78 होती हैं, क्योंकि अपर लोअर डेक बढ़ गया इस वजह से सीट्स बढ़ गई। तो चलिए अब फटाक से आपको मिडिल यहाँ पे मतलब इस वाले नॉर्मल एरिया, मतलब अगर कोई मेरे जैसा बंदा होगा ना जिसको डबल डेकर में ट्रैवल करना है, मतलब ऊपर या नीचे बैठना है कहीं, और उसको ये सीट मिल जाए, उसको समझ में भी नहीं आएगा अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी सीट्स बढ़िया हैं, बट इनका थोड़ा सा कटता तो ज़रूर होगा भाई डबल डेकर का सोच के। और यहाँ पे आपको 20 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स मिलती हैं टोटल इस साइड और सामने की साइड। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ नीचे की साइड, जहाँ पे अपनी भी सीट है। ये लीजिए, आ चुके हैं लोअर डेक में। भाई ये थोड़ा नीचे सा लग रहा है मेरे को, मतलब ये थोड़ा नीचे सा लग रहा है, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपर डेक। और ये हाइट में तो ये थोड़ा कम है, नीचे वाला आप हाइट में कम है, अपर वाला ज़्यादा है। तो इसमें आपको 6 फुट के हैं तो भाई दिक्कत हो सकती है। और बाकी वही सेम फीचर्स हैं, मतलब जैसी ऊपर की सीट्स हैं ऐसी नीचे की आपको सीट्स मिलती हैं। और अपनी मैं सीट दिखा देता हूँ भाई, अपनी सीट है ये वाली, वन एंड ओनली सिंगल सीट। तो ये सीट मिली है 51 विंडो सीट। तो भाई मतलब मेरे को पता नहीं था, जर्नल बुक करी और ये मिल गई। तो वैसे एज अ व्लॉगर मतलब आपको व्लॉग करना होता है बहुत सही है, अपने उठो अपने जाओ, किसी को परेशान नहीं करना है, है ना। और यहाँ कर्टेन्स भी हैं अपने पास, तो बढ़िया चीज़ है। और हाँ यार, लेकिन चार्जिंग पॉइंट शायद नहीं है, वो आगे ही है, तो उसका अपन को एक चीज़ होनी है, दिक्कत होगी। और ये रही अपनी ट्रे टेबल, बढ़िया खा सकते हैं, और बॉटल होल्डर, पेपर होल्डर सब मिलता है। और यहाँ पे ये दोनों मिले हुए हैं, मतलब पूरा शताब्दी वाला है कॉन्फ़िगरेशन ये, तो जैसा शताब्दी में रहता है। बाकी सीट्स मतलब मेरे को तो सेम ही लग रही हैं, मेरे को तो कोई अंतर लग नहीं रहा। सबसे भाई नेगेटिव, मेरा बैग नहीं आ पा रहा है इसमें, आ ही नहीं पा रहा, तो वो थोड़ा नेगेटिव है। बाकी चलिए चलते हैं। और भाई ये भी सीट है, बट ये सीट छोटी है कंपैरेटिवली, मेरे जैसी सीट है। चलिए तो चलते हैं, भारी चलते हैं, बैग वैसे तो रख दिया है, कहीं जाना नहीं चाहिए, फिर अंदर ही आके बैठ जाएंगे।
चलिए तो आ चुके हैं कोच के बाहर और ये रही अपनी सीट। और मतलब आप सोचिए पैर दिखता होगा जब वहाँ बैठेंगे, तो बाकी एक्सपीरियंस करेंगे कैसा क्या रहता है। C3 कोच है अपना, और आप लोग देख रहे हो कि ये रेड येलो कोचेज हैं, तो ये मतलब ICF हैं, LHB क्या हैं, तो ये LHB कोचेज हैं। और इनकी स्पीड मुझे जहाँ तक था कि 130 होती होगी, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस पर यहाँ लिखा हुआ है 160 km/h की स्पीड अलाउड है इनको। जिसको चलते नहीं है वो बात अलग है, 130 तक चलेंगे, बट अलाउ इन 160 km/h तक है। चलिए तो हो चुका है अपना मुंबई सेंट्रल से डिपार्चर, और ऑन टाइम हुआ है डिपार्चर लगभग। अभी अपर डेक पे, क्योंकि अपनी जर्नी पूरी लोअर डेक में तो होने वाली, और मुंबई सेंट्रल से 50% ये ट्रेन भर चुकी है, और बाकी ट्रेन ये भर जाएगी बोरीवली से। तो मैं सोचा ये भी खाली था तो अपर डेक का भी आपको दिखा देते हैं कैसा एक्सपीरियंस, कैसा लगता है ऊपर बैठ के। बाकी नीचे बैठ के तो जर्नी अपन को पूरी करनी है। तो चलिए, बहुत सारी ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशन स्किप्स होने वाले हैं बीच बीच में अभी, तो वो सब अपन अपर डेक से देखेंगे कि लगते कैसे। चलिए तो आ चुके हैं बोरीवली स्टेशन पे, मुंबई का एक स्टेशन है ये, और 10 मिनट लेट आई है यहाँ पे अपनी ट्रेन। और भाई बहुत रश है, मतलब बहुत ज़्यादा रश है। मैं सोचा था नीचे उतरूँगा उस साइड, लेकिन उसे चढ़ने वाले इतने सारे हैं, मैं कहा भाई रहन दो ऊपर ही रहो। 3 मिनट का ही हॉल्ट है सिर्फ यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 50% ट्रेन यहाँ से भर रही है। पता यही दिक्कत है थोड़ा कि गेट चार दो ही हैं, मतलब एक स्टेशन पर दो साइड गेट, दो गेट आते हैं, और कैपेसिटी हो चुकी है इसकी 78 से बढ़कर 120। तो जो बाकी पैसेंजर, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसे, बहुत भीड़ हो जाती है, एकदम से रश हो जाता है। अगर एक ही स्टेशन होना तो और ही रश हो जाए भाई, बहुत रश है। देखिए बहुत ज़्यादा रश है। तो चलिए इनको सेटल होने देते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं अभी, अपन तो सेफ साइड हैं खड़े हुए हैं। और इसके बाद आएगा वापी, फिर आएगा वलसाड़, हाँ, और फिर सूरत, वड़ोदरा होते हुए, भारूच होते हुए अपन लोग अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। तो चलिए कुछ स्टेशन अपन स्टेशन पे उतरेंगे, कुछ स्टेशन अपन अंदर से ही दिखाएंगे। और ये भी आ रही है गाइस अहमदाबाद मुंबई, जो इसका नाम तो मेरे को नहीं दिख रहा कौन सी है, लास्ट में लिखा होगा, एक्सप्रेस ही होगी। चलिए तो इसमें ना आपको पेंट्री कार्ड देखने को नहीं मिलती है, बट साइड पेंट्री है तो आपको मतलब चीज़ें सारी मिल जाएंगी, खाने पीने ही सब मिल जाएगा। मैंने तो लिए अभी चाय और IRCTC के कप में ही मिली हुई है, तो वही वेंडर से साइड पेंट्री है, बस उनको साइड पेंट्री में मतलब टेंडर मिला हुआ है। और भाई ये देखो सबसे पहले तो ये 130 चल रही है, मतलब जब से बोरीवली से निकली है ना वही चल ही रही है, धीरे तो है ही नहीं है ट्रेन। और चाय भी टेस्ट करते हैं, बस पैक चाय है, जो अगर आपने वंदे भारत वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी सेम चाय मिल रही थी, वो अपने खुद ने बनाई थी, बना के दिया उन्होंने, भाई एक नंबर चाय, बहुत बढ़िया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी, और अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है अपन को बोरीवली क्रॉस हुए, और अब आएगा वापी। चलिए तो आ चुके हैं अपन लोग वलसाड़ स्टेशन पे, जो कि गुजरात में आता है। ये अपनी ट्रेन का थर्ड हॉल्ट, और एक और हॉल्ट अपन लोग कवर करके आए हैं, सेकंड हॉल्ट जो है वापी स्टेशन। दोनों स्टेशनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 26 किलोमीटर्स का डिफरेंस था, तो मैं सोचा एक साथ ही कवर कर लेंगे।
और वलसाड, यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स अपन को मिलते हैं और पहला साउथ गुजरात का स्टेशन है जो कि नॉन जंक्शन स्टेशन है, जहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 4 फ्राइट ट्रेन्स की स्लाइडिंग होती है यहाँ पे। तो चलिए अंदर ही चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 मिनट का ही हॉल्ट है और डायरेक्ट अब अपन लोग बात करेंगे सूरत में उतर के, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है कब चल जाए ट्रेन, है ना। और बाकी अगर मैं आपको वापी के बारे में बताऊं तो वापी भी, अगर आप लोगों को दमन जाना है तो आप लोग वापी उतर सकते हैं। ये तो हो चुका है अपना वलसाड़ से भी डिपार्चर और 10 मिनट लेट चल रहे हैं अपन लोग। बोरीवली भी 10 मिनट लेट पहुंचे थे और यहाँ पे भी 10 मिनट लेट ही आए हैं। चलिए तो आ चुके हैं अपन लोग सूरत स्टेशन पे, जो कि आता है गुजरात में, आपको सबको पता होगा। और यहाँ है अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम आई है, 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है, तो आराम से अपन नीचे घूम रहे हैं। और बात करूँ सूरत की तो ये डिकेड से अपने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जाना जाता है और अब टेक्सटाइल में भी अपना बहुत बड़ा नाम कमा रहा है। और यहाँ पे अगर स्टेशन की बात करूँ तो 300 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट होती हैं और 22 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। रश आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले सबको चढ़ने दिया क्योंकि बहुत अच्छा खासा क्राउड यहाँ से चढ़ा है। यहाँ पे डीबोर्ड भी हुआ है, बोर्ड भी हुआ है। तो चलिए ऑन टाइम अभी तक अपनी ट्रेन चल रही है, देखते हैं अहमदाबाद कब पहुँचाती है। और इसके बाद आएगा अपना भारूच, उसके बाद आएगा वडोदरा और उसके बाद एक दो स्टॉप के बाद अहमदाबाद आ जाएगा, जो कि आएगा रात को 9:30 बजे। तो अभी निकला है अपना सूरत और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जब मैं आपको कोच का इंटीरियर दिखा रहा था तो मैं कहता सीट्स बाद में बताऊँगा जब बैठ जाएंगे, जर्नी हो जाएगी। तो अभी लगभग 260 किलोमीटर की अपन लोग जर्नी कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई कंफर्ट, अगर आप लोग शताब्दी में बैठे हैं तो उस हिसाब का ही कंफर्ट आपको इस ट्रेन में भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसकी ट्रे है ये सेम अपन को शताब्दी में भी मिलती है, इसमें भी आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे ये आपका बुक होल्डर है और यहाँ पे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक चीज़ है, फुटरेस्ट भाई मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर 6 से 7 घंटे की जर्नी करने वाले हैं तो फुटरेस्ट तो चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये इंक्लाइन है तो ये थोड़ा स्पेस खा जाता है, क्योंकि आप पैर ऐसे नहीं रख सकते, आपको ऐसे ही रखना है। मेरे तो इधर कोई नहीं था, इसे मैं ऐसे रखा हुआ हूँ। तो ये दो चीज़ें मेरे को लगी कि ये चीज़ें कम है इसमें, जो आपके कंफर्ट में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत दे सकती हैं। बाकी रिक्लाइनिंग, अगर आप शताब्दी में बैठे हैं तो उतना ही रिक्लाइनिंग होती है इसी जितनी शताब्दी में होती है। हैंडल्स बढ़िया है, लेकिन हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग लगेज कैरी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से छोटा लगेज कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे जो लगेज रखने की जगह है, क्योंकि 2 पार्ट्स में अपर और लोअर डेक हैं, इसलिए वो जो स्पेस है वो बहुत कम है। इस वजह से जो जिनके बड़े बैग्स हैं उनको अपने पास ही नीचे रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनमें लगेज जहाँ पे रखना है वहाँ पे जा ही नहीं रहे। तो अगर आप लोग ट्रैवल करें तो कंफर्ट की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लगेज छोटा आपको ट्रैवल करना, छोटा लगेज लेके ट्रैवल करना है। चलिए तो बाकी अपनी जर्नी चली रही है, अभी सूरत क्रॉस हुआ है, अब आएगा भरूच और फिर आएगा वडोदरा, ऐसे करके अपन लोग अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो चलिए आप लोग बताइएगा जर्नी आपको कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही होगी वैसे।
तो अपन लोग आ चुके हैं वडोदरा जंक्शन पे, और वडोदरा जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट्स का हॉल्ट है और ट्रेन आई है ऑलमोस्ट ऑन टाइम, बस 2 मिनट लेट है तो उतना तो चल जाता है। और अगर वडोदरा जंक्शन की बात करूँ तो ये इंडिया का 5th busiest रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेन फ्रिक्वेंसी, क्योंकि और यहाँ पे टोटल 340 से ज़्यादा ट्रेन्स टोटल सम अप करें अगर, जो रुकती हैं ओरिजिनेट होती है सब कुछ, तो 340 से ज़्यादा ऐसी ट्रेन्स हैं यहाँ पे। और चलिए तो अब सिर्फ 2 घंटे की जर्नी अपनी और रह गई है और जहाँ से अपन लोग पहुँच जाएंगे अपन अपनी डेस्टिनेशन पे और जर्नी कंप्लीट होगी अपनी अहमदाबाद जंक्शन पे। तो अभी तक तो ऑन टाइम है ट्रेन, देखते हैं कब पहुँचाती है। वैसे तो इस रूट की ट्रेन्स जितनी भी हैं, मतलब शताब्दी, वंदे भारत, या क्योंकि इतनी कंसिक्यूटिव ट्रेन्स हैं हाल के हाल, मतलब हर 5-10 मिनट में कोई प्रीमियम ट्रेन है तो लेट होती नहीं है, रूट बिल्कुल क्लियर रहता है और ऐसा हमेशा का ही है इस रूट का, कभी बहुत कम होता है कि लेट हों इस रूट की ट्रेन। तो चलिए आ चुकी है अपनी डबल डेकर एसी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अहमदाबाद जंक्शन के, और लगभग 20 मिनट लेट आई है, और वो वैसे तो बिफोर ही आ गई थी लेकिन आउटर में इसको खड़ा रखा। और अपने पीछे है ये कर्णावती एक्सप्रेस जो कि सेम इसके आगे आगे चलती है डबल डेकर के, वो भी आ चुकी है, अपन से पहले आ गई थी। तो चलिए एंड करते हैं जर्नी को, आपको ब्लॉग कैसा लगा आप बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाय बाय।